नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। अमेरिका के मशहूर जर्नलिस्ट रहे वॉल्टर क्रॉनकाइट ने कहा था, इन सीकिंग ट्रुथ यू हैव टू गेट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, मतलब सच की तलाश में आपको कहानी के दोनों पक्ष पता होने चाहिए, दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए, तब सच निकलकर सामने आता है। तो आज मैं बात करूंगा गाजियाबाद के डाफना देवी मंदिर की, जहां से बीते दिन एक युवक ने आसिफ नाम के 15 साल के बच्चे को पीट दिया। आसिफ ने बताया था वो मंदिर में पानी पीने गया था और बस इतनी सी बात, श्रृंगी नारायण यादव ने उसे मारा। बस मुस्लिम नाम सुनते ही जाग गया एक गैंग जिसका काम ही है बस मंदिरों को कैसे बदनाम किया जाए। दूसरे पक्ष को तो सुनना ही नहीं, मुस्लिम है, मार खाया हुआ है, बस हाय तौबा शुरू। पीटने वाला हिंदू है, बस आ गया हिंदुस्तान खतरे में। सौहार्द बिगाड़ दिया यादव जी, देश में डर लगना शुरू, देश में मुसलमानों के लिए रहना भी मुश्किल हो गया। गैंग ने बिना किसी जांच के शुरू कर दिया अपना प्रोपेगेंडा, डोनेशन का ड्रामा भी शुरू कर दिया। किसी ने भी जहमत नहीं कि एक बार जाकर दूसरे पक्ष से पूछ कि भाई आखिर बात क्या हुई थी। तो हमारी सहयोगी पारुल वहां गई और उन्होंने दूसरे पक्ष का भी पक्ष जानने की कोशिश की, उनकी क्या कुछ बात हुई सब कुछ सुनवाए। लेकिन उससे पहले मैंने डासना के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की तो पता लगा कि डासना एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां की जनसंख्या है 34,914, इनमें से लगभग 7,000 10 साल से कम उम्र के बच्चे, आबादी का कुल 20%, मतलब बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां का लिटरेसी रेट 67% है, जो कि राज्य के एवरेज लिटरेसी रेट से कम है। यहां महिलाओं का लिटरेसी रेट तो सिर्फ 56% है। यहां के आबादी में 80% से भी ज्यादा मुस्लिम है, मुस्लिम डोमिनेटेड है, और 20% से भी कम हिंदू। ये सभी आंकड़े गौर करने वाले हैं कि कैसे ये क्षेत्र आज भी इतना पिछड़ा क्षेत्र। 15 साल का आसिफ अनपढ़ है, क्यों है? तो कई मीडिया वाले आपको आसिफ का एक कमरे का घर दिखा रहे हैं, कोई कह रहा होगा कितना गरीब है आसिफ, वगैरह वगैरह। लेकिन जांचने परखने वाली बात यह है कि महानगर से सटे डासना में एक 15 साल का लड़का अनपढ़ क्यों है, और इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं। यकीन करें, एक रिक्शा चालक का बच्चा भी अफसर बन जाता है, एक मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है, खबरों में सुनते रहते हैं हम और आप। इस मुद्दे को लेकर मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ कहा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया टीम से उनकी बातचीत हुई और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने जो भी कहा वो भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे नैरेटिव की ताकत के बारे में कि देखिए कैसे जब कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है तब देश में कोई उबाल नहीं आता, कोई डोनेशन कैंपेन नहीं चलाता, लेकिन मुस्लिम नाम सुनते ही कुछ गिद्ध जाग जाते हैं। देश के असली दुश्मन यही है। नैरेटिव की ताकत यह है कि दिल्ली में रिंकू शर्मा को घर से निकालकर मार देना एक छोटा मुद्दा है, और आसिफ को थप्पड़ लग जाना बहुत बड़ा मुद्दा है। नैरेटिव की ताकत यह है कि तेलंगाना के भैंसा में किसी नाबालिग का रेप हो जाने पर कोई मीडिया संस्था वहां नहीं जाता, लेकिन बात मंदिर को बदनाम करने की हो तो वो डासना में आकर बैठ जाते हैं, खूंटा गाड़ देते हैं, टेंट लगा देते हैं। और हां, भैंसा वाली घटना में भी आरोपित सद्दाम नाबालिग, नाबालिग ध्यान से, शाहीनबाग याद है ना, कैसे महिलाओं को आगे किया था, कैसे बच्चों को आगे किया गया था, बच्चों से कैसे कैसे भाषण दिलवाए गए थे, सब याद है ना। डासना देवी मंदिर के बाहर नल है, हमारे रिपोर्टर ने खुद देखा, साथ ही उस इलाके में हर दूसरे नुक्कड़ पर मस्जिद है, हर दूसरी गली में नल है, मतलब मंदिर के दरवाजे के पास सामने, बिल्कुल सीधा सामने नल है। लेकिन आसिफ सिर्फ मंदिर के अंदर ही जाता पानी पीने,
संदेह वाली बात। उस क्षेत्र में अकेला मंदिर है और उस मंदिर के अंदर नल है, यह बात आसिफ को कैसे पता जब वहां मुसलमान कोई आता जाता है ही नहीं, सोचने वाली बात। और कुछ लोग बार बार आसिफ बच्चा है, आसिफ नाबालिग है, क्या है ये सब। एक जानकारी देता हूं, इसी इलाके में बीजेपी नेता बीएस तोमर की 2019 में निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या सरेआम पान की दुकान के बाहर कर दी गई, गोली मारी गई 3 सर पे। इस हत्या में भी नाबालिग ही शामिल थे, और तो हत्या में पड़ोसी भी शामिल थे, अमन, अरबाज, नौशाद, हारून, सब हत्या में शामिल। इसी देवी मंदिर में इससे पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, कई महिलाओं को छेड़ने की भी घटनाएं हुई। वो ऐसे में इस बात को भी डिसोन नहीं किया जाना चाहिए कि आसिफ शायद चोरी के इरादे से ही आया था, और वहां मंदिर की सेवा में लगे लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। और आसिफ की बातों को ध्यान देते हुए ये भी गौर करना चाहिए कि चोर कभी भी ये नहीं कहता कि वो चोर। गलती क्या थी, कहा तो ये गया कि सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। कहा ना, उसने जब वो पकड़ लिया सरंगी यादव ने, सरंगी को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, वो असल में ऊपर सोया हुआ था, उसको समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। जब शोर मचा उसने बेसिकली क्या किया था, उसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पिशाब किया था, और इसलिए झगड़ा हुआ है सारा, इसलिए सारा झगड़ा हुआ है। पानी के लिए तो बेटा बाहर देख लो, बाहर नल है, गेट को जैसे आप सड़क पार करोगे, छोटी सी तो सड़क ही है, उसके पार ही नल है, और इधर पंचायत में नल है, पंचायती भवन है, इसमें नल है, पीछे दुकान में नल है, पानी पीने आपको गेट से कोई नल दिखाई दिया यहाँ तक, मतलब कम से कम 500 मीटर पर नल है, तो मतलब उसे यहाँ इतना अंदर तो आना था, वहाँ उसे नल नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है, ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों, मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र, जिसकी हमारे धर्म में हमारे उसमें आस्था नहीं, वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं, जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पिशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई ज़बरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली हैं, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? यहीं आने की क्या जिद है? इसी मंदिर में आने की क्या जिद है? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि घटना ये थी कि उसने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी पीने के लिए ही आता मंदिर में, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पीटा नहीं जाता। अगर पानी पीने के लिए आता तो हम उससे कह देते भाई चला जा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला, इस मंदिर में पानी मुसलमानों के लिए नहीं है, नहीं है इस मंदिर का कोई चीज़ मुसलमानों के लिए। हाँ, चुरा लेते हैं, वो डकैती डालते हैं, 4 बार इस मंदिर में डकैती डली है, वो होता है, वो ज़बरदस्ती चाहे हमें मार भी दें वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते। रीज़न, अच्छा रीज़न क्या है जो बाहर ही बोर्ड लगा दिया गया, ऐसा रीज़न क्या है? इस मंदिर में मैं जब से मेहनत बनाऊँ 4 बार डकैती डली, सारी मुसलमानों ने डाली, पुलिस ने जो है उनके दबाव में केस नहीं खोला। इस मंदिर में जितनी चोरी हुई वो मुसलमानों ने करी, पुलिस केस नहीं खोलती। खैर, अब आते हैं एक अलग बात जिस पर भी बात की जानी चाहिए, बात होनी चाहिए, शांत नहीं बैठा जाना चाहिए, कि आसिफ तो बस पानी पीने मंदिर में गया था। मंदिरों को इतना सार्वजनिक स्थल क्यों समझा जाने लगा? सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए क्या? जिस देश में आए दिन कभी हम्पी के प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को ध्वस्त किया जाता हो, कभी शिवलिंग पर पांव रखकर फोटो क्लिक करवाया जाता, कभी सोमनाथ मंदिर के सामने वीडियो बनाकर गजनबी को सराहा जाता है, और कभी मंदिरों में घुसकर नमाज पढ़ी जाती है, ये सब क्या हो रहा, किस लिए हो रहा? देश में मंदिर, हिंदू, सनातन, ये सब नाम सुनते ही बदनाम करने वालों की झड़ी लग जाती है। जैसे कि बीएचयू में जब एक मुस्लिम को कर्मकांड पढ़ाने भेज दिया गया था तो सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या एक मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, अगर वो ज्ञानी है तो क्यों नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाना चाहिए। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि सनातन एक जीवन जीने का तरीका भी, ये कोई धर्म मात्र नहीं है, ये जीने का तरीका है, जीने का सलीका सिखाता है। मांस खाकर हवन करना नहीं सिखाया जा सकता, यज्ञोपवीत ना धारण करने वाला कर्मकांड नहीं सिखा सकता। इसी तरह मंदिर एक पवित्र जगह है, वहां बिना पूजा भाव के प्रवेश करते हैं तो महंत को पूरा हक है
आपको रोकने का। सिर्फ पानी पीने का मसला नहीं है, जांच में सब कुछ सामने आना चाहिए। देखिए, हम बड़े ही क्रिटिकल युग में जी रहे हैं, समझिएगा। यहां जनसंख्या नियंत्रण कानून समय की जरूरत बन चुका है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना भविष्य अंधकार में हो जाए, बहुत जरूरत है इसकी। साथ ही साथ अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी पहचान लेना चाहिए कि असली सांप्रदायिक कौन है। आज यादव ही इस मसले में फंसते नजर आ रहे हैं, यादव ही इस मामले में फंस गया है, लेकिन अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बचाने के लिए कुछ नहीं बोल सकते। यहां यादव गिनती के हैं और मुस्लिम हजारों। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है समझ में आ जाए तो, यह मुस्लिम मोहल्ला जैसी चीजें बंद होनी चाहिए, ताला लगना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि डासना के आंकड़े यही बताते हैं कि यह इलाका कितना पिछड़ चुका है। यहां विकास की जरूरत है, सबको मिलजुल कर एक होकर रहना होगा, क्योंकि भारत में सभी बराबर के हकदार हैं। लेकिन राजनीति सहूलियत के हिसाब से सबको बांटने में लगी। वहीं अगर श्रृंगी नारायण यादव दोषी है तो उसको कठोर सजा हो सकती है, लेकिन अगर जांच में आश्रित भी दोषी पाया जाता है तो उसकी भी जांच हो, उसको भी सजा। बस धर्म, जाति, पंथ, उम्र के चश्मे से अपराध को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अपराध अपराध है। समझिएगा, सोचिएगा और फिर हमको बताइए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।